भारत के प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र बाबू पहलवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसके बाद रविवार को नगर में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। देश के प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र बाबू पहलवान नेपा नगर में ताप्ती नदी के किनारे पंच तत्व में विलीन हुए। उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। रामचंद्र पहलवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में सन 1929 में जन्मे रामचंद्र बाबू पहलवान ने सन 1968 में थल सेना के प्रसिद्ध पहलवान को पटखनी देकर प्रथम सिंह केसरी का खिताब हासिल किया था। इस उपलब्धि पर उन्हें कर्नाटक के गवर्नर ने 15 किलो वजनी चांदी का गद्दा बतौर पुरस्कार के रूप में दिया था। आपको बता दें कि रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक में हनुमान जी के रोल के लिए रामचंद्र बाबू पहलवान को ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसके बाद दारा सिंह को हनुमान के रोल के लिए कास्ट किया गया था। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि समाज में प्रथम हिंद केसरी होके 1958 में उनके द्वारा जो है ये प्रथम कुश्ती जो प्रतियोगिता थी वो लिखी थी, और भारत सरकार ने उन्हें जो है प्रथम हिंद केसरी का जो उपाधि दी थी, उससे आज हमारा समाज बहुत अतिभूत था। ऐसी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उनके इस दुखद निधन से हमें और हमारे समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, और इसको हमको जो है उसकी बड़ी पूर्ति कर पाना बहुत संभव नहीं। बड़ी दुखद खबर है पूरे जिले के लिए, क्योंकि बुरहानपुर जिले के लिए दुखद खबर है। और श्री सकलपंच गुजराती वणिक समाज ट्रस्ट के ये सदस्य है, और भारत के प्रथम हिंद केसरी के रूप में इन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, और समाज के अध्यक्ष पद पर रहकर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समाज को सुचारू रूप से चलाया है। और रामचंद्र भैया पहलवान, उनकी जो क्षति हुई है हमारे देश और प्रदेश प्रथम हिंद केसरी रहे, वो क्षति तो कभी पूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे जो युवाओं को उन्होंने यहाँ पर जो मार्गदर्शन दिया, जैसे अभी लोग बोलते प्रोटीन डाइट करके मांसाहार पर लोग जाते हैं कि वही लेने से हमको ताकत आ सकती है, हमारे शरीर को प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन हमारे रामचंद्र भैया जो प्रथम हिंद केसरी बने और पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया, वो आजीवन शुद्ध शाकाहारी रहे। उन्होंने दूध चने और पौष्टिक पदार्थ उन्हीं से अपने शरीर का जो स्वस्थ और इतना जो ताकत बनाई, उससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि शाकाहारी रहकर भी हम अपने शरीर को बहुत ऊर्जावान और इतनी बड़ी हस्ती बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, और हमारे नगर के लिए सबसे बड़ी। हमारी नगर का गौरव थे, हमारे नगर का प्रिया, मेरा बचपना उनके सानिध्य में गुजरा है, और कई ऐसे नेपाल में परिवार है जिनके संबंध उनसे रहे हैं, बुरहानपुर से, नेपा नगर से। देश को गौरवान्वित किया है, प्रदेश को गौरवान्वित किया है भैया ने, नगर को गौरवान्वित किया है, और ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति न भविष्य में हो सकती है न कभी हो सकती है। हमारी बस एक ही मांग है शासन से, प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इतनी बड़ी हस्ती की मूर्ति कहीं नगर में अच्छी जगह पर स्थापित करें, और उनके अनुयायियों को एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसको लेकर तो ये बोलना है, जैसे अपने हिंदुस्तान में प्रथम हिंद केसरी का जब ताज बना था, तो रामचंद्र पहलवान ने जो कुश्ती लड़ते थे तो सबसे पहला ताज उन्होंने जीता था। आज अपने देश का गौरव है, आज से अपने बुरहानपुर जिले का बहुत बड़ा गौरव है, और नेपाल का तो बहुत विशेष उनका योगदान था। बाद में बहुत सी कुश्ती लड़ी उन्होंने, कई कुश्तियाँ उन्होंने जीती, पूरे हिंदुस्तान लेवल की कुश्तियाँ जीती। फिर बाद में उनकी उम्र होने के बाद, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है इनकी, तो उनकी उम्र होने के बाद में फिर जब यहाँ पे स्थाई यहाँ के रहवासी है, तो यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे उन्होंने अखाड़े भी खोले, यहाँ पे बहुत से पहलवान भी तैयार किए। उनका संपूर्ण जीवन जो है सामाजिक क्षेत्र में सेवारत रहा, वे माँ भारती के सच्चे सपूत थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन जो है समाज में क्रियाएं करते हुए पहलवानी में अपना नाम किया, नेपा नगर क्षेत्र का नाम संपूर्ण विश्व में, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने शोभायमान किया। आज हमारा समाज का भी गौरव है, हमारे समाज के, हमारे बुरहानपुर क्षेत्र के, हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे देश के गौरव के रूप में वे स्थापित है। किंतु ये जो क्षति हुई है, यह हमारे समाज के गौरव की क्षति है, और इस क्षति को
भर पाना इतना आसान नहीं है। हम सभी समाज के लोग, नेपा नगर क्षेत्र समाज, संपूर्ण समाज आज गमगीन माहौल में है। हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।